हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल सबको शिक्षा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम डाटा साइंस इंजीनियरिंग के डाटा एनालिसिस इन पाइथन में पांडास वन के क्विज़ को सॉल्व करने वाले हैं। इस क्विज़ में 10 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है, ऑल पांडास डाटा स्ट्रक्चर आर ब्लैंक म्यूटेबल बट नॉट ऑलवेज ब्लैंक म्यूटेबल। सभी पांडास डाटा स्ट्रक्चर ये म्यूटेबल है बट नॉट ऑलवेज ये म्यूटेबल। तो ऑप्शन ये है कि ऑप्शन ए साइज और वैल्यू, पहले नंबर पे साइज और दूसरे नंबर पे वैल्यू। ऑप्शन बी सिमेंटिक। ऑप्शन बी सीज और साइज। ऑप्शन सी वैल्यू कॉमा साइज। ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन अबव। तो इसका सही आंसर है सी वैल्यू साइज। ऑल पांडास डाटा स्ट्रक्चर आर वैल्यू म्यूटेबल बट नॉट ऑलवेज साइज म्यूटेबल। द लेंथ ऑफ द सीरीज कैन नॉट बी चेंज्ड। जो सीरीज की लेंथ है वो चेंज नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर टू, पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमें पॉइंट आउट करना है। पांडास कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ लेबल्ड अरे डाटा स्ट्रक्चर्स। पांडास क्या कंसिस्ट करता है? तो सेट ऑफ लेबल्ड अरे डाटा स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है। ऑप्शन बी पांडास कंसिस्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड ग्रुप बाय इंजिन फॉर एग्रीगेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग डाटा सेट। पांडास क्या कंसिस्ट करता है? इंटीग्रेटेड ग्रुप कंसिस्ट करता है बाय इंजिन फॉर एग्रीगेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग डाटा सेट्स। ऑप्शन सी पांडास कंसिस्ट ऑफ मूविंग विंडो स्टैटिस्टिक्स। पांडास क्या कंसिस्ट करता है? मूविंग विंडो स्टैटिस्टिक। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन अबव। इसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ द मेंशन अबव। Some elements may be close to the one another according to the one distance and further away according to the another. Question number 3. Which of the following statement will import pandas? In niche diye gaye mein se kaun sa statement pandas ko import karta hai? Option A. Import pandas as PD. Imports pandas as PY. Import pandas PY as PD. एन ऑप्शन फोर्थ ऑल ऑफ द मेंशन अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंपोर्ट पांडास एस पी डी। यू कैन रीड डाटा फ्रॉम सी एस वी फाइल यूजिंग द रीड लोअर केस सी एस वी फंक्शन। आप सी एस वी फाइल रीड कर सकते हैं सी एस वी फाइल से। किसका यूज़ करके? तो रीड लोअर केस सी एस वी फंक्शन का यूज़ करके। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट यू गेट आफ्टर रीडिंग सी एस वी फाइल। कौन नीचे दिया गया हमेशा कौन सा ऑब्जेक्ट आपको मिलता है आफ्टर रीडिंग सी एस वी फाइल, सी एस वी फाइल रीड करने के बाद? ऑप्शन ए डाटा फ्रेम, ऑप्शन बी कैरेक्टर वेक्टर, ऑप्शन सी पैनल एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डाटा फ्रेम। यू गेट कॉलम्स आउट ऑफ ए डाटा फ्रेम द सेम वे यू गेट द एलिमेंट्स ऑफ आउट ऑफ ए डिक्शनरी। क्वेश्चन नंबर फाइव, पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए में से एक रॉन्ग स्टेटमेंट पॉइंट आउट करना है। ऑप्शन ए सीरीज इज वन डायमेंशनल लेबल्ड होमोजीनियसली टाइप्ड अरे। ऑप्शन बी डाटा फ्रेम इज जनरल टू डी लेबल्ड साइज म्यूटेबल टेबुलर स्ट्रक्चर विथ पोटेंशियली हेट्रोजीनियसली टाइप्ड कॉलम्स। ऑप्शन सी पैनल इज जनरली टू डी लेबल्ड ऑल्सो साइज म्यूटेबल अरे एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन। तो नीचे दिए गए में से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है वो हमें सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, पैनल इज जनरली टू डी लेबल्ड ऑल्सो साइज म्यूटेबल अरे। तो ये गलत है, पैनल जनरली थ्री डी लेबल्ड होता है ऑल्सो साइज म्यूटेबल अरे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी इज सिमिलर टू पांडास। नीचे दिए गए में से कौन सी लाइब्रेरी पांडास से सिमिलर होती है? ऑप्शन ए नंपाय, ऑप्शन बी आरपाय, ऑप्शन सी आउटपाय एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन अबव। तो इसका आंसर है ए नंपाय। नंपाय इज द फंडामेंटल पैकेज फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग विद पाइथन। नंपाय एक फंडामेंटल पैकेज होता है फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग विद पाइथन, साइंटिफिक कंप्यूटिंग पाइथन के साथ। क्वेश्चन नंबर सेवन, पैनल इज ए कंटेनर फॉर सीरीज एंड डाटा फ्रेम। इज ए कंटेनर फॉर डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स। पैनल ये किसके कंटेनर होता है? सीरीज का। और डाटा फ्रेम किसका कंटेनर होता है? डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स का। तो ये सही है गलत? ये गलत है। डाटा फ्रेम इज ए कंटेनर फॉर सीरीज। डाटा फ्रेम क्या होता है? सीरीज का कंटेनर होता है। एंड पैनल किसका कंटेनर होता है? तो डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स का।
तो ये डिफरेंस है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोमिनेंट पाइथन स्टैटिस्टिक एंड इकोनोमेट्रिक्स लाइब्रेरी। नीचे दिए गए में से कौन सी पाइथन की प्रोमिनेंट स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स लाइब्रेरी है। ऑप्शन ए बोके, ऑप्शन बी सीबॉन, ऑप्शन सी स्टैट्स मॉडल्स एंड ऑप्शन डी वन ऑफ द मेंशन अबव। इसका सही आंसर है सी स्टैट्स मॉडल्स। बोके इज ए पाइथन इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी फॉर लार्ज डाटा सेट्स दैट नेटिवली यूजेज द लेटेस्ट वेब टेक्नोलॉजीज। बोके क्या है, एक पाइथन इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है लार्ज डाटा सेट्स के लिए जो नेटिवली यूज होते हैं लेटेस्ट वेब टेक्नोलॉजीज में। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाउंडेशनल एक्सप्लोरेटरी विजुअलाइजेशन पैकेज फॉर द आर लैंग्वेज इन पांडाज इकोसिस्टम। नीचे दिए गए में से कौन सा फाउंडेशनल एक्सप्लोरेटरी विजुअलाइजेशन पैकेज होता है जो आर लैंग्वेज के लिए होता है इन पांडाज इकोसिस्टम के लिए। तो ऑप्शन ए है वायहैट, ऑप्शन बी है सीबॉन। मैं फिर से दोहराता हूँ ऑप्शंस, ऑप्शन ए वायहैट, ऑप्शन बी सीबॉन, ऑप्शन सी विंसेंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन होता। उसका सही आंसर है ऑप्शन ए वायहैट। इट हैज़ ग्रेट सपोर्ट फॉर द पांडास डाटा ऑब्जेक्ट्स। ये इसके पास ग्रेट सपोर्ट्स होता है किसके लिए, तो पांडास के डाटा ऑब्जेक्ट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, पांडास कंसिस्ट ऑफ स्टैटिक एंड मूविंग विंडो लीनियर एंड पैनल रिग्रेशन। तो पांडास क्या कंसिस्ट करता है, स्टैटिक एंड मूविंग विंडो कंसिस्ट करता है कौन से, तो लीनियर एंड पैनल रिग्रेशन का। तो ये सही है या गलत है, ये सही है। टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल डाटा आर स्पेशल केसेस ऑफ पैनल डाटा। तो टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल डाटा होता है और स्पेशल केसेस ऑफ पैनल डाटा होता है। तो इसी तरह से हमने 10 क्वेश्चन पूरे कर चुके पांडास वन के। तो अगर ये वीडियो आपको इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल सबको शिक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह से मैं अगले वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे और भी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमेशा अपने स्टडी के लिए मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए, कॉन्सेंट्रेटेड रहिए। मैं जल्दी आपके लिए एक नया वीडियो ला कर रहूँगा, तब तक के लिए आप अपने ख्याल रखिए, अपने खुद को हेल्दी रखिए। धन्यवाद।